रहने वाली हूँ और अब 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा में साधु लड़की के रूप में कार्य कर रही हूँ। सैकड़ों लड़कियाँ भी डेरे में 16 से 18 घंटे सेवा करती हैं। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज ने मुझे गुफा में बुलाया। मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा महाराज बेड पर थे, हाथ में रिमोट था, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही थी, बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा था। महाराज ने टीवी बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं, हम ही खुदा हैं। जब मैंने पूछा कि क्या खुदा का काम ये है तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान थे, उनके यहाँ 360 गोपियाँ थी जिनसे वे हर रोज प्रेम लीला करते थे, फिर भी लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं। हम चाहे तो इस रिवॉल्वर से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ाकर दाह संस्कार कर सकते हैं। हमारी सरकार में बहुत चलती है, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री हमारे चरण छूते हैं। हम तुम्हारे परिवार से नौकरी लगे सदस्यों को बर्खास्त करवा देंगे, सभी सदस्यों को मरवा देंगे और सबूत भी नहीं छोड़ेंगे। हमें सफेद कपड़े पहनना, सिर पर चुन्नी रखना, किसी आदमी की तरफ आंख ना उठाकर देखना, आदमी से 5-10 फुट की दूरी पर रहना महाराज का आदेश था। हम दिखाने में देवी हैं लेकिन हमारी हालत वैश्या जैसी है। अगर मैं इसमें अपना नाम लिखूंगी, इन सब लड़कियों के साथ साथ मुझे भी मेरे परिवार के साथ मार दिया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारा डॉक्टरी मुआयना किया जाए ताकि हमारे अभिभावकों को और आपको पता चल जाए कि हम कुमारी देवी साधु हैं या नहीं, अगर नहीं तो किसके द्वारा बर्बाद हुई हैं।